जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ कमल सारस्वत है, जिनका हाल ही में RPSC स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री सब्जेक्ट में चयन हुआ है। कमल, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस अपनी सफलता के लिए। साथियों, इसके अलावा कमल इतिहास विषय में नेट क्वालिफाइड है और अभी राजस्थान सरकार की जो विद्या संबल योजना है उसके अंतर्गत गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा में सहायक आचार्य के पद पर पढ़ा रहे हैं विद्या संबल योजना में। तो कमल, आप जो है अपने बैकग्राउंड के बारे में हमारे साथियों को बताइए। बैकग्राउंड में कहना चाहूँगा तो मैंने अपनी ट्वेल्थ क्लास, जो मेरी ट्वेल्थ क्लास है, मांडल स्कूल से पास की है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांडल से। उसके बाद मैंने BSc किया, साइंस मैथ से BSc पास आउट, हम लोग क्लासमेट ही थे वहाँ पर। और फिर उसके बाद मैंने MA किया इतिहास विषय से, फिर उसके पश्चात मैंने नेट के लिए प्रिपरेशन किया और साथ ही साथ मैंने BEd की अपनी डिग्री पूरी कंप्लीट कर ली थी। और उसके पश्चात मैंने अभी RPSC स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरा चयन हो गया। तो कमल, जैसा कि आपने बताया कि हम BSc में साथ में थे और उसके बाद आपने एक तो MA क्यों किया और दूसरा MA हिस्ट्री में ही क्यों किया? तो अच्छा प्रश्न पूछा मणिराज जी ने। BSc के बाद पहला कारण तो था कि मेरा MSc में मैंने फॉर्म डाले थे, लेकिन मेरा MSc में कहीं भिलवाड़ा में कॉलेज में नहीं हो पाया, मुझे MSc शाहपुरा में मिला था जो मेरे लिए थोड़ा दूर था, तो मैं उसमें नहीं किया अप्लाई। और फिर उसके बाद मैंने अन्य विषयों में भी डाले थे MA, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का था तो मुझे कुछ इतना ज्ञान नहीं था कि जो कला वर्ग है उसके किस विषय का चयन करना चाहिए, तो मैंने अलग सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सब में फॉर्म डाले थे और फिर मेरा सिलेक्शन MA हिस्ट्री में हो गया था। और एक दुविधाजनक स्थिति आरंभ में ये थी कि मणिराज जी ने ही मेरी एक सीट लेके चले गए थे। मणिराज जी ने भी MA हिस्ट्री से डाला था क्योंकि इनके BSc में परसेंटेज अच्छे थे, तो मणिराज सर मेरी सीट पर आ गए थे, किंतु आपने फिर अन्य विषय का चयन कर लिया और मेरे लिए सीट खाली कर दी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मणिराज जी का कि मेरी सफलता में कुछ आरंभिक अंश भी मणिराज जी का ही है। तो इस प्रकार फिर मैंने MA हिस्ट्री से किया और हिस्ट्री में होने के बाद मुझे प्रसन्नता ये हुई क्योंकि मैं BSc फाइनल ईयर में, हमारे मिश्रा सर हैं, धर्मेंद्र मिश्रा, डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा हमारे MLV कॉलेज में थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर, तो उनके साथ चर्चा के दौरान मेरा इतिहास में रुचि जगा। फिर मैं प्रयास भी करता रहा कि काश हिस्ट्री में हो जाए, अन्य सब्जेक्ट में भी डाले मैंने, लेकिन मैं प्रयास किया कि इतिहास में हो जाए और अंततः मेरा इतिहास में हो गया। फिर उसके बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ना आरंभ कर दिया। तो आपने MA किया, उसके बाद आपने BEd किया, तो ये एक तरीके से हमारे कॉलेज वाले दिन होते हैं, तो उस समय सभी स्टूडेंट जो होते हैं ज़्यादा सीरियस होते नहीं हैं। MA के लिए हम हालांकि पढ़ते हैं, लेकिन एक कंपटीशन के लिए, जिस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए नेट के लिए या दूसरे एग्जाम्स के लिए, तो आपने सीरियसली हिस्ट्री कब पढ़ना स्टार्ट किया? सीरियसली हिस्ट्री तो मैंने MA फाइनल ईयर में आरंभ कर दिया था पढ़ना, क्योंकि उस समय मुझे पहली बार ज्ञात हुआ कि, क्योंकि हमें इतना जागरूक था नहीं, मुझे ज्ञात हुआ कि नेट जैसा कोई पेपर होता है, उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं, PhD किया जा सकता है, JRF देके उसमें फेलोशिप भी मिलती है। तो उसी दौरान मैंने MA फाइनल में पढ़ना आरंभ किया और उस समय से मैंने नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन चालू कर दी। फिर पश्चात मेरा BEd में हो गया तो मैं थोड़ा सा उस समय ढीला पड़ गया और फिर मैंने 2020 के अंदर दिसंबर वाला जो सेशन था उसमें नेट दिया था और उसमें मेरा फिर नेट क्वालिफाई हो गया। तो कमल, जैसे आप BSc के बाद MA हिस्ट्री में गए थे, तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए भी एक सबसे ज़रूरी होती है स्टार्ट करना, कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। एक तो BSc के बाद अगर हम MSc करते हैं उसके बाद नेट देते हैं, तो हमें पहले से आइडिया होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब हम BSc से MA में आए, तो आपको इनिशियली जब आपने सीरियसली नेट के बारे में पढ़ना सोचा या इसको लेक्चर को कंसिडरेशन किया, तो आपने कैसे उसकी शुरुआत की कि बेसिक बुक्स और इसके बारे में आपको कहाँ से हेल्प मिली? पुनः मैं मणिराज जी का इस विषय पर धन्यवाद देना चाहूँगा कि मणिराज जी से, क्योंकि आप JRF क्वालिफाइड हो चुके थे और फिर मैंने आप ही से पूछा और अन्य अध्यापकों से भी, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर, उनसे बात की तो उन्होंने मेरे को बताया था कि NCERTs पढ़ सकते हैं आरंभ में, छठी से लेकर बारहवीं तक की एक बार उनका रीडिंग लगा लो ताकि आपको बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक आइडिया हो जाएगा कि इतिहास होता क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, किस प्रकार के विषय होते हैं, जैसे प्रारंभिक भारत, प्राचीन भारत जो है उसके अंदर किस प्रकार के बिंदु मिलेंगे, राजवंश कैसे होते हैं, मध्यकाल आएंगे तो मुगल वंश, सल्तनत काल सब मिलेंगे, आधुनिक भारत में जब आएंगे तो 1857 की क्रांति है, उसके पहले प्लासी के युद्ध हुए हैं, फिर उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, तो सारी एक पता लगने लग जाता है कि हमको क्या क्या चीज़ इसमें मिलेगी। फिर उसके बाद मैंने अच्छी जो संदर्भ पुस्तकें उनका अध्ययन करना धीरे धीरे आरंभ किया, लेकिन जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है तो वो एक बार NCERTs को एक बार सिंगल रीडिंग लगा लेता है कि उससे ये फ़र्क उनको पता चल जाएगा कि
कि एक्चुअल में हमको आगे जाके पढ़ना क्या है। तो मैंने आरंभ यही कहूँगा कि एनसीईआरटी से हमको स्टार्ट किया जा सकता है। तो जब 2020 में आपकी एमए हो चुकी थी, उसके बाद आपने नेट भी कर लिया था, तो स्कूल लेक्चर का जब नोटिफिकेशन आया तो आपने इसकी तैयारी उससे पहले से आरंभ कर दी थी, या स्कूल लेक्चर का वैकेंसी आने के बाद आपने सीरियसली तैयारी स्टार्ट की थी? और इसके अलावा तैयारी के दौरान आपने एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न में, राजस्थान और वर्ल्ड हिस्ट्री में किस किस सेक्शन में कौन कौन सी पुस्तकों का आपने प्रयोग किया? तो पहला प्रश्न है कि तैयारी मैंने कब आरंभ की। तो मैंने तैयारी, जैसे मैं इतिहास विषय से एमए फाइनल से उसमें प्रारंभ कर दिया था मैंने पढ़ना, लेकिन जो इसके तैयारी स्कूल लेक्चरर की जब नोटिफिकेशन आने पता लगा कि 2020 में एक वैकेंसी आई थी, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था किंतु मेरा चयन हो नहीं पाया क्योंकि मैं एलिजिबल था नहीं, क्योंकि मैं बीएड उसके अंदर फाइनल मांगी जाती है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। मेरा बीएड कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद मेरे को लगा कि ऐसा कोई एग्ज़ाम हमको इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो उस दिन के बाद मैंने इतिहास पढ़ना आरंभ कर दिया, और फिर उसके बाद 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी निकली थी, उसका भी मैंने एग्ज़ाम दिया, किंतु किन कारणों की वजह से मेरा स्वास्थ्य भी नहीं था, परीक्षा के दिनों में थोड़ा बीमार पड़ गया इसलिए थोड़ा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो उसमें मैं रह गया। और उसके पश्चात क्योंकि अगला परीक्षा मेरे को फर्स्ट ग्रेड ही दिख रहा था स्कूल लेक्चरर, तो मैंने उसी के लिए प्रिपरेशन करना आरंभ कर दिया। तो लगभग 6 माह पूर्व तक, मतलब जिस दिन परीक्षा होनी, मतलब अक्टूबर में परीक्षा थी, तो 6 माह पूर्व मैंने लगभग फरवरी मार्च के अंदर ही उसके लिए बिल्कुल सीरियस होकर एकदम कि अब पढ़ना है और अपने को सिलेक्शन लेना है, तो उसके बाद मैंने आरंभ कर दिया। और साथ ही साथ जीके जो पेपर होता है उसकी तैयारी भी मैंने उन्हीं दिनों में आरंभ कर दी थी। कुछ लोग सीरियस नहीं लेते हैं, लगता है कि शुरू में सब्जेक्ट पढ़ लेंगे और लास्ट में जाकर फिर हम लोग परीक्षा तक आएंगे, फिर 2-3 महीनों में हम जीके पढ़ लेंगे, ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि जीके के अंदर भी आपको कम से कम 9 सब्जेक्ट, 40% तो आपको लाना ही है, साथ में 9 सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने होते हैं अलग अलग। साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ना है, खूब सारे सब्जेक्ट थे, और प्लस आपको अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो इतना लंबा समय मतलब आप जाके लास्ट में जाके इतना कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने 6 माह पूर्व आरंभ कर दी। अब रही इतिहास की पुस्तकों की बात, तो मैंने प्राचीन भारत इतिहास के लिए सौरभ चौबे की पुस्तक आती है, बड़ी पुस्तक है, उसका अध्ययन किया, और साथ ही साथ एक आर्य कंपटीशन की बुक आती है जो सब जानते हैं इतिहास में पढ़ाई करने वाले, तो उसको रखा मैंने साइड में एज ए नोट्स मान के कि रिविज़न बुक समझ के, लेकिन मैंने प्राथमिकता सौरभ चौबे को दी। और फिर मध्यकालीन भारत के लिए भी सौरभ चौबे जी की एक पुस्तक आती है, उसी को मैंने अध्ययन किया। आधुनिक भारत के लिए मैंने अरविंद भास्कर जी ने उस समय पुस्तकें नहीं निकाली है, 2 भागों के अंदर अरविंद भास्कर जी की पुस्तक आती है, वो उसका अध्ययन किया, और साथ ही साथ आर्य कंपटीशन की गाइड पढ़ी। और विश्व का जो इतिहास है उसके लिए एक ही पुस्तक है जो सब लोग जानते हैं, अरविंद भास्कर। कुछ कुछ बिंदु में जैन माथुर से भी देख लिया करता था, जैसे कुछ समझ में नहीं आया, जो चीज़ें कम मिली है, लेकिन मैंने प्राथमिकता अरविंद भास्कर जी को ही दी है। राजस्थान का इतिहास के लिए 2 पुस्तकें थी, आपने मुझे को एक सजेस्ट की थी, शर्मा एंड पावा जी की जो पुस्तक आती राजस्थान का इतिहास, वो एक संदर्भ पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, उसमें आपको डिटेल में मिल जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड की पेपर है वो पेपर थोड़ा सा डीप में आता है, अच्छा एनालिसिस करके पेपर आता है, उसमें आप केवल ऊपरी थोते तौर के ऊपर पढ़ के नहीं जा सकते हैं। तो संदर्भ पुस्तक में मैंने शर्मा एंड पावा का प्रयोग किया, और साथ ही साथ पवन जी भंवरिया नाथ पब्लिकेशन में पुस्तक निकालते हैं, तो उसका भी मैं साथ साथ अध्ययन करता रहा। तो ये 2 पुस्तकें मैंने राजस्थान के इतिहास के लिए पढ़ी, और जनरल नॉलेज के लिए अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग पुस्तकें, जैसे गणित के लिए मैंने एनसीईआरटी, विज्ञान के लिए मैंने एनसीईआरटी का प्रयोग किया, एजुकेशनल मैनेजमेंट के लिए मुकेश जी पंचोली की पुस्तक आती है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, और फिर राजस्थान का इतिहास क्योंकि मेरा सब्जेक्ट में था तो मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, फिर उसके लिए भी पवन भंवरिया का सजेशन है। उसके अतिरिक्त आप हिंदी के लिए 9वीं से 12वीं तक की एक रचना प्रबोध पुस्तक आती है जिसमें हिंदी व्याकरण का समग्र अध्ययन हो जाता है। अंग्रेजी विषय मेरा थोड़ा कमज़ोर था, और मैं अंग्रेजी विषय में क्योंकि प्रश्न 5 आते हैं और उनको क्योंकि थोड़ा रहता है, तो मैं अंग्रेजी विषय को थोड़ा स्किप करके चला गया था कि मेरे को अंग्रेजी में फंसना नहीं था, तो मैंने उन 5 प्रश्नों को स्किप किया। फिर भी हम लोग अंग्रेजी विषय के अंदर भी अलग अलग रेनन मार्टिन की पुस्तक आती है वो पढ़ सकते हैं, व्याकरण के उसमें प्रश्न आते हैं, और यही पुस्तकें थी जो मैंने अपने अध्ययन के दौरान प्रयोग की थी। इसके अलावा जो पेपर 2 होता है हिस्ट्री सब्जेक्ट का, उसमें 120 क्वेश्चन तो हमारे सब्जेक्ट के आते हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन जो एजुकेशन साइकोलॉजी की और इनके आते हैं, इसके लिए आपने क्या कौन सी बुक्स है जो यूज़ की? तो पिछली जितनी भर्तियां थी मणिराज जी, तो उसमें हुआ ये था कि 120 प्रश्न आपके इतिहास विषय के आएंगे और 30 प्रश्न आएंगे आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी के, लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा पैटर्न बदला और उन्हें 120 प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर इन्होंने 130 कर दी। अब मात्र 20 प्रश्न आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के मिलते हैं। तो मैंने प्रयास किया कि
अलग अलग पुस्तकें, जैसे कि अवनी पब्लिकेशन की पुस्तक आती है उसका मैंने अध्ययन किया, और साथ ही साथ अंतिम समय में मतलब एक माह पूर्व मैंने आरबीडी एक संस्था है, पब्लिकेशन है, उसने अपनी पुस्तक निकाली थी तो मैंने उसका अध्ययन किया था। इसके अलावा कमल जी, आपका जो जीके का और हिस्ट्री सर जो पेपर वन और पेपर टू का जो स्कोर है इंडिविजुअल, वो आप बता दीजिए, जो आंसर आरपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग जो आपने काउंट किया था। तो आरपीएससी की फाइनल आंसर की से तो अभी आंसर की आई नहीं है, किंतु जो प्रोविजनल आंसर की आई थी उसमें खूब सारे चेंजेस होने थे, किंतु मैंने उसके अनुसार अपना आकलन किया था तो मेरा 40 क्वेश्चन तो मेरे उसके सही थे जीके पेपर में, माने 80 नंबर उसमें थे, और सब्जेक्ट के अंदर मेरा 201 से 203 के बीच में स्कोर था, तो ओवरऑल हम देखें तो 283 के आसपास मेरा ओवरऑल स्कोर रहा है। तो कमल, इसके अलावा कोई मैसेज आप देना चाहें, या लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि तैयारी के दौरान जैसे आपने स्कूल लेक्चर का जो 2020 वाला पेपर भी दिया था, हालांकि आप एलिजिबल नहीं थे, उसके अलावा आपने नेट का एग्ज़ाम भी काफ़ी बार दिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी आपने दिया था जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, यानी इतने सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हुए जिनमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो एक फैमिली का प्रेशर या जो रिलेटिव्स होते हैं या सोसाइटी होती है वो आपके बारे में कुछ बातें करती है, जिससे जो उतार चढ़ाव वाला जो दौर था उसको आपने कैसे फेस किया? तो एक हर अभ्यर्थी के जीवन में ऐसा सिचुएशन आता है जब या तो प्रथम बार में आपको सफलता प्राप्त हो जाती है और नहीं होती तो फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, तनाव आता है। तो मैं भी खूब सारी परीक्षाओं में रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर में रहा, नेट में भी पिछले 2-3 अटेम्प्ट मेरे नहीं हो पाए थे, तो मैं उन दौरान एक संस्था है इस्कॉन संस्था, तो मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं वहाँ पर जाता था, वहाँ पर बहुत सुंदर आध्यात्मिक वातावरण है तो वहाँ पर जाता था, वहाँ पर मेरे को भगवद्गीता प्राप्त हुई तो मैं भगवद्गीता का डेली अध्ययन करता था, मेरे अध्ययन के दौरान भी और जिस दिन मेरी परीक्षा थी उस दिन भी मैं सुबह 2 श्लोक भगवद्गीता के पढ़ के गया, जिससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, मानसिक रूप से तनाव जो दूर होता था, और मेरे मित्र जो थे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप भी मैं आपके संग में बैठा करता था, और भी मेरे खूब सारे मित्र हैं जो इतिहास विषय के हैं, इतिहास विषय के अतिरिक्त और मित्र हैं, तो फ्रेंड सर्किल का बहुत सपोर्ट रहा, तो हंसी मजाक में ये सारे दुख के दिन कट गए और आज सफलता मिली है तो सभी मित्रों के साथ मिली है तो बहुत प्रसन्न हूँ। अगर जिनको भी ऐसा लगता है कभी फ्रस्ट्रेशन आए तो किसी भी प्रकार की कुछ धार्मिक गतिविधि आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में चले जाएं, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन करें तो उससे थोड़ा सा आपका तनाव दूर होगा, और फ्रेंड्स बहुत अच्छे बनाएं जिनके साथ हंसी मजाक कर सकें तो बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। परीक्षा में आप जब पेपर दे रहे होते तब उस तनाव जो आता है उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको याद आती तो आप उस समय भी उस तनाव को दूर कर सकते हैं, तो ये मेरा रहा सक्सेस पॉइंट। तो कमल जी, आप वो श्लोक अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं जो आप एग्ज़ाम के दिन भी पढ़ के गए थे। वो श्लोक इस प्रकार था कि जो भगवद्गीता में कृष्ण जब कहते हैं, अर्जुन उनसे प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण मैं अब थक चुका हूँ कि मेरे को युद्ध नहीं करना है, तो कृष्ण ने उसमें श्लोक मेरे को एक्चुअल में उसमें अभी याद नहीं हो पा रहा है, पर मैं उसका अर्थ बता सकता हूँ कि कृष्ण उसको कहते हैं कि अर्जुन कुछ भी हो जाए तुमको युद्ध करना होगा, ये तुम कार्य अपने लिए मत करो, मेरा आदेश मानकर इसे युद्ध करो। अगर हम अपने लिए करेंगे, फल की मान के करेंगे, कर्म कर रहे हैं कि परीक्षा दे रहे हैं, अगर हम इसको अपने आप को फल से रिलेट कर लेंगे कि मतलब फल अगर हमने चाहने की इच्छा कर ली कि मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो तनाव आएगा, लेकिन अगर कृष्ण कह रहे कि इसको मेरा आदेश मानकर करो तो उसमें आपको फल की चिंता नहीं रहेगी, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कृष्ण की बात मान के सॉल्व किया, इस पेपर को दिया या युद्ध किया तो उसमें आपको चिंता नहीं रहेगी। तो ये श्लोक मैं उस दिन पढ़ के गया था, तो इसीलिए तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, इसमें कृष्ण कहते हैं कि सभी कार्यों में मेरा स्मरण करके युद्ध करो अर्जुन, तो तुम सफलता तुमको निश्चित मिलेगी मिलेगी। तो ये मेरा वो श्लोक था जो मैं पढ़ के गया था। बिल्कुल, भगवद गीता एक अच्छा सोर्स है एक मोटिवेशन का, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कमल जी। इसके अलावा कमल, कोई एक मैसेज जो आप आपकी तरफ से देना चाहते हो जो स्टूडेंट्स आगे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या रीट या सेकंड ग्रेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से और कोई मैसेज देना चाहें? तो जितने भी लोग सुन रहे हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की, अभी चर्चा में भी है कि आरपीएससी जो है अभी निकालेगा वैकेंसी, तो जिनको तैयारी करनी हो अभी से, आज से ही जब वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से उनको ये तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए, अभी कोई देर नहीं हुई है, अभी बहुत समय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब परीक्षा आए तब हम लोग अपने ग्रंथ संभालें, अपनी पुस्तकें संभालें, जब वैकेंसी आ रही फिर परीक्षा की डेट आ गई तब संभालेंगे, फिर किसी कोचिंग का ज्वाइन करेंगे, कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, तो वो उसमें सहायक नहीं होगी, वो हमको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देगी इतनी सारी चीज़ें पढ़नी। इसलिए अच्छा है कि आज से 3-4 घंटा पढ़ना स्टार्ट करें
और धीरे धीरे जब परीक्षाएं आएगी तो इसमें ये मोटिवेशन रहेगा कि जब हम लोग अपनी तैयारी आरंभ कर रहे होंगे, तब जब दूसरे लोग तैयारी आरंभ कर रहे होंगे तब हमारा रिवीजन चल रहा होगा, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही रहेगा कि जब सब लोग खत्म आरंभ कर रहे तब हम लोग अपना ख़त्म कर चुके होंगे। तो ये सभी का संदेश है कि आज से ही तैयारी करना चालू करें, पढ़ना चालू करें, और हमेशा संदर्भ पुस्तकों से पढ़ें, कोई गाइड वगैरह लाके उससे ना पढ़ें, क्योंकि उनके अंदर कभी तथ्यों की मिलावट होती है, त्रुटि होती है, कोई पूरी गाइड आपके सामने एक साथ इतनी मोटी गाइड रख दी गई है, फिर उसमें आपके केवल तथ्य ही तथ्य हैं, और इतिहास विषय तो है ही तथ्यों से भरा, तो अब इसमें तथ्यों पे और तथ्य आपको याद करने, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर परीक्षा में याद नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा संदर्भ पुस्तकों जिसके अंदर अच्छे से लिखा है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। और कमल, आपने फर्स्ट ग्रेड के लिए या नेट के लिए कभी किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग का सहारा लिया? जी नहीं, मैं कोचिंग में बिलीव कम करता हूँ, मैंने किसी प्रकार की कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, मैं केवल पुस्तकों से पढ़ा हूँ, और जितने मेरे मार्गदर्शक हैं, जितने मेरे गुरु हैं, उन्होंने मेरे को यही बोला कि कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने भी अपनी सफलताएं बिना कोचिंग के प्राप्त की है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जिसके अंदर हमको कोचिंग की आवश्यकता पड़े। तो नॉर्मल पुस्तकों का अध्ययन करके, लेकिन सार गर्भित अध्ययन हो, सार सांगोपांग अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे हम लोगों को सफलता मिल सके। तो पूरी तरीके से अच्छी पुस्तकों का आप चयन करें, खूब सारी अच्छी पुस्तकें हैं उनको पढ़ें, और उसके पश्चात उनके ऊपर अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे तो परीक्षा पास की जा सकती है। तो साथियों, जैसा कि कमल ने हमें बताया कि एक तो अब क्योंकि RPSC जो स्कूल लेक्चरर है उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, कब आएगा ये हमें नहीं पता, तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो उन्हें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करके जितनी जल्दी हो सके अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सिलेबस जो पिछली भर्ती का आपके पास है, आप उसी सिलेबस को आधार मानकर अपनी तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं, एक दो टॉपिक ऐड होते हैं या हटा लिए जाते हैं। तो आप नोटिफिकेशन आने का वेट ना करते हुए अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाइए, और अभी से अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने समय का ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करें, तब तक आप अपनी जो सिलेबस है वो हो सकता है शायद एक बार या दो बार कंप्लीट कर चुके हो, तो आप उन लोगों से आगे रहोगे जो नोटिफिकेशन आने के बाद अपनी तैयारी करते हैं। इसके अलावा कमल जी ने कहीं से कोचिंग नहीं की है, तो ये भी जो स्टूडेंट ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोचिंग एक हुआ है, कमल ने बिना कोचिंग के इसको सफलता को हासिल किया है, तो आप भी इसे कर सकते हैं। और इसके अलावा साथियों, जैसे कमल ने हमारे साथ इनके एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, कमल जो हमारे साथ हम BSc में थे, हमारा जो आर्ट्स के विषय जिनसे कोई लेना देना नहीं था, उसके बाद कमल BSc के बाद MA करते हैं। MA में भी इसलिए करते हैं क्योंकि BSc में परसेंटेज कम थे, तो MSc में इनका एडमिशन नहीं हो रहा था। MA किस सब्जेक्ट में करना है उसका भी इनिशियली इनको आइडिया नहीं था, तो इन्होंने मल्टीपल सब्जेक्ट में अप्लाई किया था, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने सोच लिया कि मेरे को हाँ इतिहास विषय मेरा है और मेरे को इसमें नेट क्वालिफाई करना है, मेरे को इसमें स्कूल लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देने हैं, तो इन्होंने मेहनत अच्छे से की और इनकी मेहनत का फल इन्हें मिला, ये नेट क्वालिफाई हुए। इसके बाद इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद इनका 105वीं रैंक के साथ RPSC स्कूल लेक्चर इतिहास विषय में चयन हुआ है। तो इस तरीके से आप भी मेहनत कीजिए, और जल्दी ही स्कूल लेक्चर की वैकेंसी आने वाली है, तो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर तैयारी कीजिए, उम्मीद है आप सभी इसमें सफल होंगे। इसके अलावा इतिहास विषय से संबंधित जो क्वेरी आपकी है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अंत में कमल जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना समय निकाला और अपने जो जर्नी है या जो आपकी रणनीति है वो हमारे साथियों के साथ शेयर की, ताकि जो भी छात्र आगे तैयारी कर रहे हैं, छात्र छात्राएं स्कूल लेक्चरर की, तो उन्हें उम्मीद है कि एक गाइडेंस उन्हें मिलेगी कि उन्हें कौन सी बुक्स का सहारा लेना है या कैसे उनको तैयारी करनी है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला, और उम्मीद है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के बाद हम पुनः एक नया वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रणनीति हमारे साथ साझा करेंगे। थैंक यू।